नमस्कार, डाइजेस्टोम न्यूज़ से मैं टीना सोनी। आज सीबीएसई 12th क्लास का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसके हमारे कुछ होनहार छात्र हमारे साथ में है। आइए उनसे हम कुछ चर्चा करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कृष भाटिया है और मैं केवी डांगला का स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी 12th क्लास की एग्जामिनेशन दी है कॉमर्स स्ट्रीम से। अच्छा, आपके कितने परसेंटेज बने? मेरे 95% बने हैं। 95% बने। गुड। अच्छा, कैसा फील कर रहे हो आप? अच्छा ही है, फीलिंग तो अच्छी होती है। परसेंट सही है। अच्छा, ये बताइए, आप इसका अपना श्रेय किसको देना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने मदर फादर और टीचर्स ऑब्वियसली और साथ में मेरे दादाजी को। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? फिक्शनल रीडिंग। अच्छा, 12th के बाद आप क्या करना चाहते हैं? एमबीए का एमबीए में करियर परस्यू करना चाहता हूँ मैं आगे 12th के लिए और मैनेजमेंट की लाइन में जाना चाहता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट। गुड। आपका नाम? मैम, मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है और मैं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर से कला स्ट्रीम के अंदर मैंने कल आर्ट्स में। अच्छा, आपकी कितने परसेंटेज बने? 90.6%। अच्छा, आप अपना श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरे मतलब सारे परिवार जो मेंबर्स हैं मेरे, उन सबको ही मतलब कुछ कुछ हिस्सेदारी में उन्होंने अपना योगदान दिया है और सभी ने मेरे को मतलब मेरी जो प्रिपरेशन थी उसके अंदर कोऑपरेट किया। अच्छा, आपकी रुचि किस किस में है? मेरी रुचि मतलब मेरी तो पास। अच्छा, आपके आगे आप चल के क्या करना चाहते हैं? जैसे 12th, जैसे मैं मेरा 12th हो गया है तो आगे मैं BA/LLB करना चाहता हूँ और साथ साथ में मैं RJS का फाइनल। गुड। आपका नाम? मेरा नाम निखिल चौधरी है, मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा है जैसलमेर स्टेशन से, उसमें 12th की इसी करंट ईयर में। अच्छा, आर्ट सब्जेक्ट में आपके कितने परसेंटेज बने? 87.8 बने। ओके, आज अपना श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे मदर फादर ने जो मुझे इतना सपोर्ट किया और टाइम दिया, अपॉर्चुनिटी करने के लिए, फिर मेरे टीचर्स उन्होंने जो इतना मोटिवेट किया, उन्होंने गाइडेंस दिया प्रॉपर थे किस टाइम आप लोग किस टाइम से प्रिपरेशन करनी चाहिए CBSE में अच्छे मार्क्स आने के। अच्छा, आपकी रुचि किस में? मेरी रुचि ऐसे बुक्स रीडिंग में अच्छी लगती है और बाकी टाइम फिजिकल एक्टिविटीज से पास करना। और बाकी आप आगे चल के क्या करना चाहेंगे 12th के बाद? मैं करना चाहूँगा मार्केटिंग। ये थे हमारे सामने होनहार छात्र, हम इन्हें इनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ डाइजेस्टोम न्यूज़ से आप जुड़े रहिए। नमस्कार।